कक्षा 12th की और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, टॉपिक है गोंडा जनजाति। तो गोंडा जनजाति के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्योंकि जातियों की गोंडा जनजाति के बारे में पढ़ाएंगे। टॉपिक वो अपना गोंडा देखो, अब तक आपने एक्समो, बुशमैन और थी जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो अपनी चैप्टर की लास्ट जनजाति है गौड़ जनजाति, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, गौड़ जनजाति के बारे में कहा जाता है कि गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है वो है खोंडा नामक शब्द, खोंडा। अब ये खोंडा शब्द जो शब्द है कहा जाता है, खोंडा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहाड़ी। तो कहने का अर्थ है ऐसी जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, उस जनजाति को क्या कहते हैं, गौड़ जनजाति कहते हैं। क्लियर है? दोबारा देखें, कहा जाता है कि गौड़ जनजाति की उत्पत्ति, गौड़ जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, जो शाब्दिक अर्थ है, गौड़ जनजाति का शाब्दिक अर्थ ऐसे कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है खोंडा। शाब्दिक अर्थ होता है इसका खोंडा। और शाब्दिक अर्थ खोंडा का जो शाब्दिक अर्थ इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका अर्थ जो शब्द है ऐसे कह सकते हैं, इस उत्पत्ति के शब्द की उत्पत्ति जनजाति की जो उत्पत्ति है गौड़ जनजाति की उत्पत्ति किसे खोंडा से है। और खोंडा जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। क्या होता है पहाड़ी? क्लियर है? दोबारा से देखने के बाद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जो कुछ जनजाति गौड़ जनजाति क्लियर समझ में आता है। अब कहा जाता है जो गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है किस अर्थ से हुई है, खोंडा शब्द से। शब्द का नाम क्या, खोंडा। अब जो खोंडा शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ देखते हैं, सभी का कोई ना कोई अर्थ होता है, पर शाब्दिक अर्थ देखें इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। क्लियर है? तो इसका अर्थ हुआ वह जनजाति जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है उसे क्या कहते हैं, गौड़ जनजाति। क्या कहते हैं, गौड़ जनजाति। दोबारा से एक बार देखिए, समझने के लिए इतना ही काफी है कि गौड़ शब्द, गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है वह हुई है खोंडा शब्द से, और खोंडा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी, अर्थात वह जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है उसे क्या कहते हैं, गौड़ जनजाति कहते हैं, या गौड़ जनजाति के नाम से जानते हैं। देखो, मुख्य रूप से जो गौड़ जनजाति है कहा जाता है यह कि यह मध्य 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जिसका जो छुपाई हुई या जन्म हुआ या मुख्यतः इसका जो देखने को मिली वो मिली थी 18वीं सदी के मध्य में। और 18वीं सदी के जो मध्य मिली थी मुख्य रूप से जो जनजाति पाई गई थी वो चार स्थान का नाम था, गढ़मांडला, देखो नाम बता रहा हूँ, गढ़मांडला हस्तभूषा हो गया, गढ़मांडला के साथ साथ देवगढ़, तीसरा हो गया चांदा। क्लियर है? तीसरा हो गया चांदा और चौथा हो गया अपना खेड़पा, सॉरी खेड़का। मुख्य जनजाति है गौंड जनजाति, गौड़ जनजाति। यह गौड़ जनजाति 18वीं सदी के मध्य में भारत के मुख्यतः चार क्षेत्रों में, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ा, इन चार स्थानों पर देखने को ज्यादा मात्रा में पाए। दूसरा देखें तो कहा गया, ऐसे कह सकते हैं कि 1940 में जब भारत में युद्ध हुआ मुगलों का,
तो उस समय इस जनजाति को हासे पे रख लिया, मतलब इसका पता होने लगा, क्योंकि युद्ध में मारपाट हुई तो वहां इसको ये हानि पहुंची थी, तो इसलिए कहा गया था ये हासे पे चला। 1940 के जो युद्ध हुए थे भारत में राजाओं और मुगलों के बीच में हुए थे, उस समय ये हासे पे चला था। उस समय इसकी जो जनसंख्या थी वह धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि युद्ध में काफी गौड़ जनजाति लोग मारे गए थे। क्लियर है यहाँ तक? आपके समझ में आ ही गया होगा, दोबारा से एक बार और देख लें। वैसे प्रश्न पूछा जाता है कि गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, गौड़ जनजाति पर निबंध लोग ऐसे पूछता है, तो आपको सबसे पहले गौड़ जनजाति के बारे में यही कहा जाए कि गौड़ जनजाति की उत्पत्ति खोंडा नामक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ी होता है, अर्थात वह जनजाति जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है वह मुख्यतः गौड़ जनजाति होती है। गौड़ जनजाति का जो प्रारंभ था वह कहा जाता है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य में हुआ था, और यह भारत के चार क्षेत्रों जिसमें गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेरला में पाए गए। लेकिन 1940 के समय 1940 में भारत के राजा और मुगलों में जो आपस में युद्ध हुए उस समय इसे हसीये पर रख लिया गया, अर्थात यही हुआ कि उस समय इसकी जनसंख्या कम हो गई। किस तरह युद्ध के कारण, क्योंकि युद्ध में काफ़ी गौड़ जनजाति लोग मारे गए होंगे, तो यहाँ तक हो गया इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट आगे इसके आर्थिक क्रियाकलाप में देखें तो आता है नेक्स्ट, या ऐसे कैसे कर देखें इसका, पहले देखें निवास क्षेत्र। सबसे पहले निवास क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना निवास क्षेत्र के बारे में। मैंने कहा था कि पहाड़ी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले थे, तो सीधा सीधा है कि जो गौड़ जनजाति है लाखों में 600 से लेकर 900 मीटर 600 से लेकर 900 मीटर ऊंचाई वाले जितने पहाड़ी क्षेत्र होते हैं मुख्यतः उन पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते अपनी गौड़ जनजाति। क्लियर है? हम देखें निवासित, देखें तो निवासित क्या होगा कि यह पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र निवास करती है। दुर्गम का मतलब ये भी हुआ कि वन, क्योंकि ये साथ में पहाड़ी ऊंचे पहाड़ी में दुर्गम क्षेत्र होते होगी, तो जितनी जो पहाड़ी में जो ऊंचाई होती निवास करते हैं लगभग में 600 से लगभग में कितनी ऊंचाई होती है 900 मीटर। तो क्लियर आप कह सकते हो कि गौड़ जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, वे क्षेत्र जिनकी समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर के लगभग में होती है उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गौड़ जनजाति निवास करती है। ये राज्य देखें कौन कौन से होते हैं, राज्य की बात करते हो तो मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ पर पाए जाते हैं झारखंड वाला क्षेत्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन क्षेत्रों में, या ऐसे मुख्य रूप से बता सकते हैं कि मुख्य रूप से चार क्षेत्र होते हैं जिसमें गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला होते हैं, खेड़ला राज्य हैं या क्षेत्र है, क्षेत्र कहेंगे क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गौड़ जनजाति निवास करती है। साथ ही साथ जहाँ निवास करती है, जिन क्षेत्रों में निवास करती है उन क्षेत्रों में भारत की या दक्षिण भारत की जितनी भी प्रमुख नदियाँ उन नदियों का उन क्षेत्रों में उद्गम पाया जाता है। जैसे अपनी नदियों के बारे में देखें तो हम जानते हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, साथ ही साथ में अन्य भी और अन्य और नदियां भी हैं जिनका यहाँ से उद्गम पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो सभी विद्वान साथी हैं, आप जानते हो कि जो नदियां होती हैं इनका जो उद्गम से मुख्य रूप से कौन होता है, पर्वत और पहाड़ी होती है। तो जब मैंने आपसे पहले कहा था कि 600 से 900 मीटर ऊंचे वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो इन क्षेत्रों में ही नदियों का उद्गम भी पाया जाता है। जो कि इन क्षेत्रों से निकलती हुई है वहां कुछ जनजाति निवास करती है गौड़ जनजाति, कुछ जनजाति निवास करेगी गौड़ जनजाति। क्लियर है? दोबारा देखिए एक बार, निवास क्षेत्र टॉपिक लिखना है सबको, निवास क्षेत्र तो निवास क्षेत्र में भाषा कैसे बनेगी, ध्यान दें
गौड़ जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। वे क्षेत्र जो समुद्र तल से लगभग में 600 से 900 मीटर ऊंचाई पर स्थित हैं, उन क्षेत्रों में गौड़ जनजाति निवास करती है। गौड़ जनजाति भारत के प्रमुख चार क्षेत्र जिनमें गढ़, मांडा, देवगढ़, चांदा और खेड़ला हैं। इन क्षेत्रों से मुख्य रूप से भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है, जैसे नर्मदा, तापी, मालवी, गोदावरी आदि। इस प्रकार से आप इसमें लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया था अपना निवास क्षेत्र। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसका क्या आता है, पॉइंट हेडिंग है, वो आता है आर्थिक व्यापार। आर्थिक क्रियाकलाप में हम देखें तो मुख्य रूप से क्या होता है, देखो आर्थिक क्रियाकलाप में टोटल क्रियाएं आती हैं कि यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या खाने पीने के लिए किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। देखो जो गौड़ जनजाति है यह एक प्रकार की झूमी कृषि होती है, वह कृषि करती है जिसे यहाँ झूमी कृषि के नाम से ले जा रहे हैं। क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं, क्या कहते हैं, दीपा। देखो ध्यान दें जो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं ये शिकार भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और कृषि भी करते हैं। जो आर्थिक टेकला पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कृषि कार्य करते हैं वह कृषि कार्य से झूमी कृषि जैसा होता है। कैसा होता है, झूमी कृषि जैसा, क्योंकि हम दिपा, लेकिन ध्यान दें लेकिन वहाँ उसे वो कहते हैं दिप्पा। क्या कहते हैं उसे, दिप्पा कहते हैं। क्यों, हमने कह दिया झूमिंग, आपने देखा था झूमिंग कृषि ऐसी थी, देखो कि किसी स्थान पर बनी क्षेत्र में पेड़ पौधों को जलाया जाएगा और उस क्षेत्र में 2 या 3 वर्ष तक फसल उगाई जाएगी। ऐसे क्या ना, आप जानते हो बच्चे, ध्यान दे दोबारा से सुन एक बार, आप जानते हो कि दिप्पा कृषि झूमिंग कृषि है, उसका दूसरा ही नाम या ऐसे कहते हैं बिल्कुल एकदम समानार्थी शब्द है दिप्पा। तो झूमिंग कृषि में आपने जानते हो कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं या दिप्पा कृषि किसे कहते हैं, दोनों ही एक ही मतलब है। देखो किसी बनिए क्षेत्र पर पेड़ पौधे वन को काट करके उसे जला दिया जाता है और फिर उस क्षेत्र में फावड़े व कुदाली से उसे गोद कर बीज छिटक दिया जाता है या बीज फेंक दिया जाता है, बो दिया जाता है। ऐसे कह सकते हो, बीज बो दिया जाता है और उस क्षेत्र पर फिर 2-3 वर्ष तक इसी प्रकार से कृषि कार्य किया जाता है। 2-3 वर्ष के पश्चात उस क्षेत्र को छोड़कर के किसी अन्य जगह पर जाकर के पेड़ों को जलाया जाएगा और कृषि की जाएगी। तो इसी कृषि को कहते हैं झूमिंग कृषि, दिप्पा कृषि, एक ही अर्थ होता है या स्थानीय कृषि। लेकिन गौर जनजाति से क्या कहते हैं, दिप्पा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, दिप्पा कृषि। ये हो गया कृषि, हो गया सर। दूसरा क्या होता है, जानते हैं यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो माना कि खेत है, जो खेत का निचला भाग होता है, जैसे आप खेत जरूरी नहीं है समतल, जहाँ से पानी का निकाल होता है, जहाँ से पानी बह करके निकलेगा वो कहलाएगा उसका निचला भाग। तो ये निचले भाग पर क्या करते हैं कि लकड़ी के गट्ठे बनाते हैं और लकड़ी के गट्ठे उस निचले भाग पर डाल देते हैं, रख देते हैं। अब निचले भाग पर लकड़ी के गट्ठे रखने से क्या होगा कि जो बरसात का पानी बह करके आएगा, और बरसात का पानी बह करके आएगा तो कटाव कर देता है, मिट्टी को काट देता है, पानी निकल जाता है। जब लकड़ी के गट्ठे रहते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी होता है वह मिट्टी में कटाव नहीं बना पाता, जिसके कारण उस मिट्टी में लंबे समय तक आर्द्रता बनी रहती है। क्योंकि पानी का कटाव, मिट्टी का कटाव भी होगा, पानी बह के जाएगा, पानी रुकेगा, जब पानी काफ़ी समय तक रुकेगा तो उसमें मिट्टी की आर्द्रता भी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो इनकी विशेषता होती है कि
गौड़ जनजाति के लोग कृषि भूमि क्षेत्र के निचले भाग पर लकड़ी के गट्ठे काट कर रख देते हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है और लंबे समय तक मिट्टी में आर्द्रता बनी रहती है। एक इनकी ये भी एक विशेषता होती है। दूसरा क्या होता है कि ये लोग होते हैं, ध्यान दें, पेंडा कृषि करते हैं। अधानी पेंडा कृषि क्या होता है, पेंडा कृषि क्या होता है, देखो मैंने पहले कहा था कि 600 से 900 मीटर ऊंचे भाग होंगे, तो ये सब पेंडा कृषि क्या हुआ, पेंडा कृषि होता है कि जब ऊंचे भाग होते हैं, माना कि ऐसे ऊंचे, तो ये भागों पर क्या करते हैं कि मिट्टी को काटते जाते हैं और सीढ़ियों खेत बनाते हैं, ऐसे खेत बना देते हैं। एक बार देखें, सीढ़ियों खेत बना लेते हैं इस प्रकार से। अब जानते सीढ़ी कैसे होती है, वैसे सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं और सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं उस पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ 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 ऐसे सीढ़ी से बना लेंगे, देखो यहाँ से ये सीधे चढ़ चलेंगे, तो सीढ़ीनुमा खेत समतल भूमि बनाएंगे और सीढ़ीनुमा बना बनाएंगे समतल और सीढ़ीनुमा। इससे क्या हुआ कि एक खेत का पानी दूसरे में आसानी से आएगा, धीरे धीरे बह जाएगा, मिट्टी का कटाव नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाती है और क्षेत्रों में क्या करती है, कृषि करती है, और उस कृषि को कहते हैं पेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंडा कहते हैं। दोबारा से सुनने के बाद, पेंडा कृषि में क्या होता है कि गौड़ जनजाति के लोग ऊंचे भागों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके की जाने वाली कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे गौड़ जनजाति में कुछ वर्ग के लोग भी होते हैं, जैसे रावत होता है, ध्योर होता है, तो यहाँ एक रावत जो वर्ग है, रावत वर्ग का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है पशुपालन। पशुपालन होता है, पशुपालन से किसका काम करता है, दूध का, किसका करेगा, दूध का। जैसे कह सकते हैं यहाँ एक वर्ग होता है, वर्ग का नाम क्या है, रावत होता है। क्या नाम होता है वर्ग का, नाम रावत। ऐसे कह सकते हैं रावत का जो काम होता है पशुपालन, क्या काम होता है, पशुपालन। पशुपालन से क्या करता है, ये पशु बेचता है और दूध बेचता है। पशुपालन का तो आपस में खरीदने बेचने का काम चलता रहता है, पशु से प्राप्त दूध को ये बेचने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखें तो गौड़ जनजाति के लोग क्या होते हैं, धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान के साथ साथ ये मदरा का भी सेवन करते हैं। धूम्रपान के साथ साथ क्या करते हैं, मदरा का सेवन। अब ध्यान दें, जो मदरा का सेवन होता है ये महुआ से निकली हुई क्या मिलती है, मदरा का सेवन महुआ से निकली हुई। महुआ से निकली क्या, किसका सेवन करते हैं, मदरा का सेवन भी करते हैं। ये होते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। देखो धूम्रपान, महुआ, पशुपालन, कृषि कार्य, ये सारे किस्म आते हैं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया, अलग अलग पॉइंट टॉपिक बनाने देते हैं, उनको अलग अलग से पढ़ लेंगे। देखो नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है ध्यान दें, ये लोग वन में जो जंगल में बन पाए जाते, जंगल पाए जाते, वन में पशु पक्षियों का भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, आखिर करते हैं। दूसरा, जब खेतों की बुवाई करते हैं या जंगल के देवता या अन्य देवी देवताओं को पुरस्कार करने के लिए क्या करते हैं, बलि भी देते हैं। बलि की परंपरा तो यहाँ चली आती है, बलि तो देते रहते हैं, हर जो जितने भी अच्छे कार्य होते हैं या शुभ कार्य होते हैं उन शुभ कार्यों में ये लोग बलि का प्रारूप रखते हैं, बलि तो देते हैं, किसी अच्छे कार्य करने से पहले बलि दे जरूर देते हैं। तो यहाँ आखिर में होता है कि ये लोग बल पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे इन लोगों ने आखिर को कम करके
और कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। दोबारा सुने, ये लोग पहले आके करते थे, आज भी करते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन आके के स्थान पर धीरे धीरे किसका रूप ले रहे हैं, कृषि का। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है भोजन। देखो इनका जो प्रमुख भोजन है, खाद्यान्न है, वो होता है कोदू और कुटकी। दो अन्न कर जो फसल करते हैं उसमें कोदू और कुटकी दोनों क्या करते हैं, उगाते हैं। स्थानीय खाद्य के ये होते हैं कोदू और कुटकी। इसके अलावा ये अपने घरों में सब्जियां पैदा कर लेते हैं, साग सब्जी होती है वो भी उगा लेते हैं, और कंदमूल फल इनके प्रमुख भोजन के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कह सकते हैं जो गोल्डन जाति है, गोल्डन जाति का भोजन देखें तो भोजन में जो प्रमुख अनाज होते हैं, खाद्यान्न जो अनाज होते हैं वो कौन से होते हैं, कोदू और कुटकी। ठीक है, कोदू और कुटकी के प्रमुख अनाज होते हैं, क्लियर है। साथ ही साथ ये लोग अपने घरों में साग सब्जियाँ होती हैं उनको भी उगा लेते हैं, और जंगल से कंदमूल फल प्राप्त करते हैं वो भी इनके भोजन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगले टॉपिक आता है अपना तो भोजन के बाद दोबारा से देख लें। देखो भोजन में कहा गया था कि गौड़ जनजाति कोदू कुटकी प्रमुख स्थानीय अनाज होते हैं, वह घरों में साग सब्जियों में भी उगाया जाता है, वहीं जंगल से कंदमूल फल प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। मैंने आगे में पहले कहा था कि ये मांस तो खाते हैं ही, क्योंकि मांस तो खाते हैं, जैसे बलि देते हैं उस बलि वाला खाते हैं, शिकार कर लेते हैं, तो मांस के साथ मांस भी खाते हैं और कृषि से प्राप्त अनाज होता है उसको भी खाते हैं, भोजन उपयोग में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है बस देखो वस्त्र में देखें, यहां मुख्य रूप से वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं, मुख्य रूप से सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उपयोग में लेते हैं, महिलाएं साड़ी और चोली उपयोग में लेते हैं, पुरुष जो मुख्य रूप से अपने आते हैं धोती कुर्ते पैंट शर्ट वो भी अपने उपयोग में लेते हैं पहनते हैं। लेकिन यहाँ पुरुष और महिलाएं होती हैं, महिलाएं मुख्य रूप से जो आपने देखा होगा काले नग होते हैं, काले काले छोटे छोटे पीस होते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, कोड़ियाँ। क्या बोलते हैं, कोड़ी। तो कोड़ियों का हार बनवा लेते हैं, कोड़ी का हार बनवा लेते हैं। चांदी और एल्यूमिनियम के पुरुष और महिला चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक होता है महिला में वह ये होता है कि यहाँ की महिलाएं अपने पूरे शरीर पर गुदवा जो गुदना होता है उसमें गुदवा लेते हैं। आपने देखो कि जो टैटू से होते हैं उसे गुदना बोलते हैं, गुदना गुदवाते हैं अपने शरीर पर, नाक कान कमर पीठ हाथ पैर सबका क्या होता है, गुदना गुदवा लेते हैं। इनका मुख्य शौक होता है। और लड़कियां या स्त्रियां अपने बालों को बांधने के लिए फूलों का गजरा होता है उसको उपयोग में लेते हैं। वह अपने बालों में बांस के बने हुए कंगन होते हैं, बांस के बने हुए कंगा होते हैं, लाहौर में एक एक दर्जन तक कंगा अपने बालों में भी लगा लेते हैं। दोबारा से देखें, यहाँ की लड़कियां व स्त्रियां अपने बालों में लगभग एक दर्जन बांस के बने कंघे भी लगा लेती हैं। आगे देखें, नवाज ग्रह में देखें, ये लोग
निवास गृह बनवाने से पहले उसका मुहूर्त निकलवाते हैं, किसी विद्वान से घड़ी दिखवाते हैं किस किस घड़ी में अपने घर का निर्माण किया जाए, शुभ मुहूर्त में अपने घर पर घर बनाने का कार्य स्टार्ट करते हैं। और घर बनाने से पहले ये किसी पशु की भी क्या करते हैं, बलि भी देते हैं। एक तो घरवास जो घर बनाना स्टार्ट करते हैं वो शुभ मुहूर्त में दूसरा क्या करते हैं, ये बलि देते हैं। क्या देते हैं, बलि। जो बलि होती है उसको देते हैं, उसको ये लास्ट में भोजन के रूप में पका करके प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो उनका घर होता है उस घर में वो संपूर्ण होगा एक प्रकार से, जैसे कि उसमें रसोई घर अलग होगा, कमरे अलग होंगे, पूजा घर अलग होगा, बरामदा अलग होगा, सब अलग अलग होगा, सबका अलग अलग काम होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपने पढ़ा था कि हम पढ़े थे कि कौन सी जाति पढ़े थे, भी जाति पढ़े थे कि सब कुछ उसमें होता है, एक ही कमरे एक ही झोंपड़ी होगी उसमें सब कुछ होगा। लेकिन इनका क्या होता है, सब कुछ अलग अलग होगा, कमरे बरामदा रसोई घर पूजा घर सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनके जो घर होते हैं मुख्य रूप से बांस घास फूस आदि के बने होते हैं। दोबारा सुने, इनके घर होते हैं वह बांस फूस आदि के बने होते हैं। उस घर में अलग अलग कमरे रसोई जो भोजन आने का होता है रसोई घर बरामदा पूजा घर अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ जो उनके जो घर होते हैं नंगले होते हैं गांव होते हैं जिनमें छोटे छोटे कम मात्रा में घर पाए जाते हैं, कम मकान होते हैं, जिन्हें नंगले या पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, नंगले या पल्ली। दोबारा से देखें, घर बनाने से पहले शगुन निकलवाएंगे, सुमूर्त निकलवाएंगे, उत्सव करेंगे, बलि देंगे। घर होंगे तो घास फूस बांस आदि के बने होंगे, उनमें अलग कमरा होगा, अलग अलग कमरे होंगे, बरामदा होगा, रसोई घर होगा, पूजा घर होगा, इतना तो उनमें सब इतना तो पाया जाता ही है। यहाँ तक हो गया था अपना निवास गृह हो गया था। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है औजार का बर्तन। देखो औजार और बर्तन में गौर जनजाति के लोग मुख्य रूप से लकड़ी के तो कारीगर स्वयं ही होते हैं। इनके घर में जितने भी औजार होते हैं वह स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। और औजारों में फावड़ा कुदाली खुरपी बाण कुछ ऐसे होते हैं जो कि मुख्य रूप से लोहे के बने होते हैं और वह स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। घरों में चारपाई और लकड़ी के स्टूल यहाँ के गौर जनजाति के रूप से बनाते मुख्य रूप से वो स्वयं ही बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जो बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन मुख्य रूप से मिट्टी के बने होते हैं, वे एल्यूमिनियम और ये लोहे से भी बर्तन बना लेते हैं, लोहे के बर्तन एल्यूमिनियम बर्तन में उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बर्तन होते हैं वो भी मिट्टी के ही होते हैं। आगे देखें इसमें से कि यहाँ सोने उठने बैठने के लिए ये लोग सोने उठने बैठने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दरियों का। ऐसे करते हैं दरी होते हैं समझते हो, ऐसे लिखते थे दरी, लेकिन अगर दरिया लिखने पर किसका उपयोग करते हैं, दरियों का। दरी होती है चटाई होती है, चटाई दरी होती है उनका क्या करते हैं, सोने उठने बैठने के उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ आकर के गौर जनजाति का जो टॉपिक था खत्म समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसका ही आता है अपना समाज का संस्कृति, वो देखिए नेक्स्ट वीडियो में। समाज संस्कृति वो टॉपिक इसमें देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।